हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे, इवन ऑड नंबर। सो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं, पाइथन आईटीएल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओके, न्यू फाइल आप क्रिएट कर लीजिए, न्यू फाइल एंड सेव कर दीजिए इस फाइल को। सेव एस, सेम फोल्डर पे हम लोग इसको सेव करते हैं। डी ड्राइव पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था पाइथन नेम का, सो मैं उसके अंदर इसे सेव कर लेता हूँ। इवन पीवाई, पीवाई इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। ओके, सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर मैसेज लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, सो एंटर बाय यूजर। यूजर कैन बी एंटर एट द रन टाइम। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है, नम। नम नेम का हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं इक्वल टू, देन इंट आपको लिखना है क्योंकि इंटीजर वैल्यू, ये ऑलवेज इट कैन बी एक्सेस एज अ इंटीजर वैल्यू। एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इनपुट, इनपुट देन इन इनपुट इट कैन बी शोइंग एज अ मैसेज। सो वी कैन राइट हेयर मैसेज, आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं। सो मैं लिख देता हूँ एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। सो यूजर नंबर एंटर करेगा, देन इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इफ के अंदर भी लिख सकते हैं। तो नम मॉडुलस टू, मॉडुलस में ऑलवेज इट कैन बी एक्सेस एज अ रिमाइंडर। सो नम मॉडुलस टू रिमाइंडर वैल्यू रिजल्ट के अंदर चले गए। एंड इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इफ रिजल्ट इक्वल टू जीरो, अगर रिजल्ट आपका जीरो होता है देन दिस केस इट इज प्रिंट ऑफ कर दीजिए इवन नंबर। सो फर्स्ट आप नम को प्रिंट कर दीजिए, नम देन इज एन इवन नंबर। सो ये हम लोग राइट ऑफ करते हैं। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है रिजल्ट जीरो आएगा, सो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो इसका मीनिंग ये इवन होता है। नहीं तो एलिफ में हम लोग दूसरी कंडीशन देते हैं, एलिफ अगर आपका रिजल्ट इक्वल टू वन है तो इस केस में आपका आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट में आप नम को प्रिंट कर दीजिए पहले, नम इज एन ऑड नंबर, ये आप राइट ऑफ कर देंगे। एंड लास्ट स्टेटमेंट यू कैन राइट हियर एल्स, अगर यूजर कुछ रॉन्ग वैल्यू एंटर करता है सो आप यहां पर लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रॉन्ग इनपुट। इसके अलावा यूजर कुछ भी एंटर करेगा देन इट्स शोइंग एज अ रॉन्ग इनपुट। नाउ यू सेव इट देन यू कैन रन इट, आप रन कीजिए इसको F5 से, आप रन कीजिए, एंटर एनी नंबर। सो आई राइट हियर 34, सो ये 34 इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट केस में अगर आप इसको रन करते हैं अगेन, अगेन हमने रन किया, अब मैंने यहाँ पर ऑड नंबर में एंटर कर देता हूँ 55, देन यू कैन सी हियर 55 इज एन ऑड नंबर। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ और देते हैं सो यहाँ पर हम लोग रन करते हैं एंड मैं कुछ भी वैल्यू दे दूं सो ये तो आपको एरर दे देगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू ही आप इसने एक्सेस करनी है, तो इनवैलिड रिटर्न फॉर्म इंटीजर, सो बेस इज इंटीजर, ऑलवेज इट कैन बी एक्सेस इंटीजर वैल्यू। सो इस केस में ये दे देगा आपका ट्रैकिंग प्रॉब्लम, सो बिकॉज इट कैन बी एक्सेस इंटीजर वैल्यू तो ये आपका इंटीजर वैल्यू, अदरवाइज ये आपको ये रिप्रेजेंट करेगा। सो ये आपका है इवन एंड ऑड की कंडीशन। सो सिंपल प्रोग्राम है आपका, इफ रिजल्ट, अगर आपको थर्ड कंडीशन नहीं भी लिखनी है तो डायरेक्ट आप इफ एल्स में रिजल्ट एल्स में डायरेक्ट लिख दीजिए ऑड नंबर, अदरवाइज आप ये भी राइट अप कर सकते हैं। एंड दूसरे तरीके से आप इसे इस टाइप से भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आपने ये रिजल्ट नहीं लेना है, यहाँ पर डायरेक्ट आप कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए नम नम रिमाइंडर टू इक्वल टू जीरो, देन इट इज इवन नंबर। एंड एल्स में अब हम लोग डायरेक्ट इसको एल्स बनाते, थर्ड कंडीशन नहीं लेते यहाँ पर। सो एल्स की केस में, एल्स स्टेटमेंट में आप डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये भी आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो दो ही कंडीशन आपके पास बचती है इसमें,
देन ये आपका हो जाएगा प्रिंट नम इज एन ऑड नंबर। सो दूसरी कंडीशन आप इस टाइप से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। रन करेंगे आप, सो एंटर एनी नंबर, 34 मैंने एंटर किया तो इवन नंबर आ गया आपका। नेक्स्ट कंडीशन आप रन करेंगे, रन कर रहे हैं आप तो नेक्स्ट वैल्यू आपने दी 13, देन ये आ गया आपका ऑड नंबर। सो ये था आपका इवन ऑड नंबर। थैंक यू स्टूडेंट।